अच्छा बता, चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से क्या होती है? पता नहीं मुझे। हाँ भूल गई मैं। देखिए भाई साहब, लीजिए क्या डालो उसमें? बोलता है तीखा बनाओ, तीखा बनाओ। बनाने के बाद बोलता है बहुत तीखा लगा है, फूकी पूरी दे जल्दी। Guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs. तो परसों जब मैं गया था मासा के घर पे तो व्लॉग्स हो गए थे लंबे। अब इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे उसको कट करके 10 मिनट में नहीं एडजस्ट करना था, तो आई थॉट लेट्स मेक टू व्लॉग्स। टाइम ज़्यादा जाएगा रेट में, लेकिन करना चाहिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई डोंट नो वेदर इट वॉज अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन। आपको लगता है फ्यूचर में अगर ऐसे व्लॉग बनते हैं जहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो रही है, बट वो शायद थोड़े अच्छे हैं, तो मुझे एक दिन में दो ब्लॉग डालने चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये नए टेबल टेनिस ट्रेनर गेम का ऐसा खुमार चढ़ा है कि सुशी को हर काम करने से पहले दो गेम वो खेलने ही होते हैं, जैसे कि अभी बिल्कुल रेडी खड़ी है। हाँ हो गई प्रैक्टिस, तू हारने वैसे भी वाली है। कर रही, अभी तो नहीं हारने वाली हूं। अच्छा देखते हैं, चल दे रैकेट दे, जब तक सुशी आती है तब तक मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ भाई। कभी टीटी नहीं खेला है, खेला है वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन इसके साथ जो मज़ा आ रहा है ना इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यू कैन प्ले इट अलोन एंड यू कैन सेट योर ओन टारगेट एंड सबसे अच्छा आपकी आईज के लिए आई थिंक दिस इज अ गुड एक्सरसाइज। आपका फोटो। हां तू तू जीत रही है, फिर देख तू फिर घुमा रही है। नहीं घुमा रही अभी मैं। सुशी जीत गई दोनों के दोनों गेम। A few moments later. Making them play housey. I'm making them play housey. She's typing very well. मैं की कीटी चल रही है, कीटी में housey चल रही है और मायरा हेल्प कर रही है नानी को कीटी खेलने के लिए। कीटी मतलब housey खेलने के लिए। मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ की आज, बहुत बड़ी, जहाँ पे एक व्लॉग बनाकर एडिट करना इतना मुश्किल होता है, मैंने दो दो व्लॉग बनाने का रिस्क ले लिया। गॉड, मैं भूल गया था कि चाहे कुछ भी हो लेकिन एडिट तो करना पड़ेगा ना। पहले मैं सोच रहा था कि मैं बाहर जाऊंगा एंड मैं पिछले आई थिंक मॉल में गए ही नहीं हम लोग। आई वॉज थिंकिंग ऑफ सिर्फ बाउंस गए थे, बाउंस में भी किसी भी शॉपिंग एरिया में नहीं गए थे, सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए बाउंस गए। उसकी एंट्री भी अलग से थी, इसलिए एंट्री से अंदर गए, एंजॉय किया, गाड़ी में बैठे वापस आ गए। तो ऐसा शॉपिंग मॉल में नहीं गए हैं एक्सेप्ट दिवाली के दिन जब हम कुर्ते ख़रीदने के लिए फैब इंडिया गए थे। सो अभी सिचुएशन ये है, ये दूसरा ब्लॉग सुबह रात को 9 बजे डालना है, तो अभी रेंडर शुरू हुआ है एंड इट्स सेइंग 1 आवर, तो 1 घंटा इसको रेंडरिंग में लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी बजे हैं शाम के 5, तो मैं फटाफट सबको चाय बना के पिला देता हूँ और साथ में चाय पीने के बाद में मेरा 1.5 घंटे का एक मस्त वर्कआउट ख़त्म करके आता हूँ। 1 step at a time, पहले चाय बनाते हैं। चाय पीनी है। चाय पीगी? नहीं सुशी, चाय नहीं पी रही आज, उसका उपवास है। सब लोगों को चाय पीने का इतना शौक है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ चाय पीने से क्या होता है। अच्छा बता, चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से क्या होती है? पता नहीं मुझे। हाँ बात नहीं होती बराबर, भूल गई मैं। नींद आती है? इम्पॉसिबल। सही जवाब, चाय पीने से नींद आती है। किसको? बनाने वाले को। चाय पीने से एनर्जी आती है। चाय पीने से मेरे हिसाब से सिर्फ टाइम पास होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, चाय बनाने वाले का और चाय पीने वाले का। अबे तो अभी सासू माँ का प्लान बना है पानी पूरी खाने का। जैसा मैंने कहा था कि गुजरातीज दे कैन नॉट ईट द सेम फूड अगेन एंड अगेन, तो प्लान तो वर्कआउट करने का था, लेकिन
सासू माँ ने कहा कि आज पानी पूरी बनाए क्या. बीइंग अ गुजराती दे लव टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड इन द इवनिंग स्पेशली. हालांकि मैगी इज़ नॉट लाइक दैट, उसको तो पंजाबी खाना और नॉर्मल खाना स्पेशली, अब क्योंकि वो डाइट भी बहुत करती रहती है तो सिंपल खाना पसंद है. बट सासू माँ को तो वैरायटी चाहिए बिकॉज शी इज़ प्योर गुजराती, बट इट्स परफेक्टली ऑल राइट. तो मैं जाता हूँ और पानी पूरी का सामान थोड़ा बहुत लेके आता हूँ. पानीपुरी के पानी का सामान तो सब कुछ घर पे है लेकिन पूरी नहीं है. पूरी जनरली घर पे होती नहीं है, हम फ्रेश ही लेकर आते हैं. सो आई विल गो एंड बाय फ्यू थिंग्स फॉर इवनिंग पानीपुरी जलसो. पूरी का सब मामला रेडी हो गया है. दिस इज़ खजूर का चटनी. इमली तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे नहीं डालते हैं. यूपी या दिल्ली स्टाइल में जो बनती है उसमें पीपल पुट खजूर एंड इमली. ये चटनी है, ये पानी, और उसके अलावा आलू और चना. अब मैं पहले पानी पूरी खाता हूँ, उसके बाद आई टेक अ ब्रेक ऑफ 15-20 मिनट्स. देन आई एम गोइंग डाउन टू प्ले बैडमिंटन. परसों के व्लॉग में रूबीना ने शॉर्ट आउट दिया था डार्लिंग. बहुत मज़ा आता है कीर्ति के साथ, रूबी के साथ, शरद के साथ, प्राचीन के साथ. हिपेश हमारा साउथ अफ्रीका में अटक गया है बिकॉज ऑफ कोरोना. वहाँ पे सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, अदरवाइज उसको यहाँ आना था और हम लोगों का दो दिन कहीं जाने का प्लान था. अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाएगा, क्या कर सकते हैं. एनीवेज बैक टू पानीपुरी. लेट्स हैव इट. इवेंचुअली पूरी नंबर 30, जैसे दुकानें बोलते हैं ना, भैया एक सूखी पूरी देना. देखिए भाई साहब, लीजिए, क्या डालो उसमें, थोड़ा सा ऊपर से डालें, नमक डालें. हिंदुस्तान में बाकी होना हो, 100 रुपये का पानी पूरी भी खा लेंगे, पेट भर गया वो उतना खा लेंगे, फिर भी एक फ्री की सूखी पूरी तो मांगता है. कौन कौन एंड में सूखी पूरी मांगता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं वो लोग देना तो भी मांगते हैं भैया सूखी पूरी. कौन कौन ऐसा करता है कॉमेंट सेक्शन में बताओ. खास करके गुजराती लोग ऐसे भी होते हैं, भैया बहुत तीखा एक और दो. बोलते हैं तीखा बनाओ तीखा बनाओ. बनाने के बाद बोलते हैं बहुत तीखा लगा है, फूकी पूरी दे जल्दी. ओके सो फ्रेंड्स आर वेटिंग एंड आई एम लेट. 1 hour later. आज बोली नहीं की बिकॉज पानी पूरी खाते खाते उसके बाद एक फोन आ गया, उसको अटेंड करते करते लेट हो गया. सो आई जस्ट प्लेड बैडमिंटन बट आई प्लेड एनफ फॉर द डे. तो आज का तो यही वर्कआउट था. 13,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब आज पूरे हुए, एटलीस्ट टच हो गया. ऑल थैंक्स टू रुबीना दिलेख, बिकॉज ऑफ हर शाउट आउट आई क्रॉस 13K मार्क. सो थैंक यू ऑल द फॉलोअर्स, ऑल द सब्सक्राइबर्स, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग माई ब्लॉग्स, कीप मोटिवेटिंग मी. तो आज के लिए बस इतना ही. दिस इज़ राहुल लोहानी. आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. आई विल सी यू टुमारो इन माई न्यू ब्लॉग. Till then, take care. God bless. Love you all. Shubh Ratri. Bye-bye.